डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर रीनेमिंग। और रजिस्टर रीनेमिंग को समझाने के लिए मैं आपको विद एग्जांपल जो है बहुत ही अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम कहीं पे भी आपको पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले एक्चुअली बता दूं कि यूज क्यों करते हैं। तो देखो, हमारे पास जो है डेटा हजार जब भी आते हैं, तो डेटा हजार जो है तीन तरीके से होते हैं, रीड आफ्टर राइट, दूसरा होता है हमारे पास राइट आफ्टर राइट, और तीसरा होता है हमारे पास राइट आफ्टर रीड। तो पहला मैंने बताया रीड आफ्टर राइट। अब ये जब भी हजार जाते हैं, तीनों में से कोई भी आए, जब भी हजार जाते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं, स्टॉल। और जब भी वो स्टॉल क्रिएट करेंगे, मतलब गैप बीच में डाल देते हैं, उसकी वजह से हमारा टारगेट क्या है पाइपलाइनिंग का, सीपीआई इज इक्वल टू वन, मतलब क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, हर एक क्लॉक के अंदर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो बाहर आनी चाहिए, मतलब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लेकिन जब भी स्टॉल आएगा तो मेरा ये वाला टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं चाहता हूं इन हजार्ड्स को हटाऊं। इन हजार्ड्स को हटाने के लिए जब भी हम रीड आफ्टर राइट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग मेथड। लेकिन बाकी के जो दो हैं, राइट आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड, इसके लिए हम यूज करते हैं किसको, रजिस्टर रीनेमिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम यूज करेंगे। सबसे पहले राइट आफ्टर राइट, तो देखो यहां पर मेरे पास इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है। इंस्ट्रक्शन 1 क्या कर रही है, R1 डिवाइड बाय R2, मतलब R1 के अंदर जो भी डेटा है, रजिस्टर 1 के अंदर जो भी डेटा है, उसको मैंने डिवाइड किया रजिस्टर 2 के डेटा के साथ, और वो वैल्यू मैंने डाल दी R3 के अंदर। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, R4 और R5 के डेटा को प्लस करके हम R3 में डाल रहे हैं। लेट्स से अगर हम डेटा ले लें, जस्ट आपके ताकि आपको इजीली जो है वो कहानी पता लग जाए। लेट्स से अगर R1 की वैल्यू 10 है और मेरे R2 की वैल्यू 5 है, तो 10 डिवाइड बाई 5 मतलब R3 के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर मैं R4 की वैल्यू लेट्स से मैं ले लेता हूं यहां पे 10, और R5 की ले लेता हूं लेट्स से 20, तो 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 30, तो R3 की वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, I1 ने पहले 2 कर दी, I1 इंस्ट्रक्शन ने R3 की वैल्यू 2 कर दी, I2 ने R3 की वैल्यू को 30 कर दिया, ओके। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, अगर I2 पहले एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब I2 जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, और वो क्या कर देगी, I2 जो है वो R3 की वैल्यू को 30 कर देगी, और उसके बाद I1 एग्जीक्यूट होगी तो वो 30 को काट के ओवरराइट करके क्या कर देगी, 2। ये गड़बड़ हो सकती है। ये गड़बड़ होने का रीजन भी क्या है, ये रीजन है मे बी जैसे I1 जो है वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, और ये क्या कर रही है, प्लस कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर थोड़ा सा भी मेरा ऑपरेंड जो है, यहां पे जो मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, ऑपरेटर की वजह से अगर थोड़ा सा भी पाइपलाइनिंग में डिले आ गया, तो देयर मे बी अ चांस कि यार मेरा I2 पहले एग्जीक्यूट हो गया और I1 बाद में एग्जीक्यूट हुआ। तो एक्चुअल में वैल्यू तो मतलब बिल्कुल लास्ट में, जब पहले I1 और I2 खत्म होगी तो लास्ट में वैल्यू आनी चाहिए थी 30, क्योंकि I2 जो है वो फाइनल रिजल्ट बनाएगी। लेकिन अगर I2 पहले एग्जीक्यूट हो गई और I1 बाद में एग्जीक्यूट हुई, तो फिर आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2, विच इज रॉन्ग। तो दिस इज व्हाट राइट आफ्टर राइट हजार्ड। तो इसको हटाने के लिए हम करते क्या है, रजिस्टर रीनेमिंग। और रजिस्टर रीनेमिंग क्या कहता है कि मेरे पास सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं, सेट ऑफ टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, लेट्स से मैं इनको नंबर देता हूं T1, T2, T3, T4, T5, मेरे पास बहुत सारे इस तरीके से रजिस्टर्स हैं, मतलब 8 रजिस्टर्स ले लो, 16 रजिस्टर्स का सेट ले लो। अब हमने करना क्या है, देखो अब मुझे पता है कि यहां पे प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, इस R3 और इस R3 की वजह से। तो हम करेंगे क्या, जब R1 डिवाइड बाय R2 होगा ना, तो जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, R3 की जो भी वैल्यू आएगी, मैं इस टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर कर दूंगा, मतलब ये वाला जो है वो R3 की वैल्यू को स्टोर कर लेगा T1। जैसे इस केस में 10 डिवाइड बाय 5, तो मेरी 2 वैल्यू जो है वो मैंने इस टेम्परेरी रजिस्टर में डाल दी। तो इस टेम्परेरी रजिस्टर का जो नाम था T1, एक तरह से मैंने उसको कर दिया R3, जो I1 वाला R3 है, पहली इंस्ट्रक्शन का R3। देन जो मेरी सेकंड इंस्ट्रक्शन थी R4 प्लस R5, कितना आया था 10 प्लस 20, कितना आया था 30। तो मैंने क्या किया, ये वाली जो R3 की वैल्यू है तो R3 एक ही, लेकिन मैंने किया क्या, T2 जो टेम्परेरी रजिस्टर था उसको एक तरह से नाम दे दिया R3, कौन से वाला, I2 वाला R3, और उसमें मैंने वैल्यू क्या सेव कर दी, 30। क्यों, क्योंकि 10 प्लस 20 क्या है, 30। तो किया क्या मैंने, इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग जगह पे सेव कर दिया, और जैसे ही अलग अलग जगह पे सेव किया, अब आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर हो जाएगा। क्यों,
अब आपको पता I1 पहले एग्जीक्यूट हुई है, I2 बाद में एग्जीक्यूट हुई है, तो I2 वाली वैल्यू कहां पड़ी है 30, तो मैं 30 जो है वो फाइनल आउटपुट में डाल दूंगा। प्रॉब्लम यही थी कि एक जगह पे दोनों वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही थी, तो अगर बाद वाली वैल्यू पहले चेंज हो जाती है तो प्रॉब्लम है। तो हमने किया क्या, बस इन दोनों वैल्यूज को एक जगह स्टोर करने के बजाय मैंने टेम्परेरी रजिस्टर लेके उनको मैंने अलग अलग जगह पे स्टोर कर दिया और रजिस्टर्स को रीनेम कर दिया ताकि मेरे को पता लग जाए कि मेरे को ये वाली वैल्यू जो है वो उठानी है बाद में, इसके बाद ये वाली वैल्यू उठानी है क्योंकि I2 बाद में एग्जीक्यूट हुई है। ये है कॉन्सेप्ट रजिस्टर रीनेमिंग का, सिंपल। ऐसे ही अगर राइट आफ्टर रीड हजार्ड आता है, राइट आफ्टर रीड का मतलब क्या है कि किसी इंस्ट्रक्शन ने रीड किया वैल्यू को, राइट आफ्टर रीड मतलब रीड के बाद जो है, पहले क्या हो रहा है यहां पे रीड हो रहा है, R1 और R2 को हमने रीड किया, दोनों को डिवाइड किया और R3 में स्टोर कर दिया, और दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, R1 को राइट कर रही है, मतलब पहले वाली R1 को रीड कर रही है और दूसरी वाली R1 को राइट कर रही है। तो जैसे अगर लेट से वही एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा, R1 की वैल्यू को अगर मैं लेट से 100 ले लेता हूं और R2 की वैल्यू को लेट से 50 ले लेता हूं इनिशियली, क्योंकि पहले I1 चलेगी ना, तो I1 ने R1 को 100 रीड किया, R2 जो थी वो 50 थी, तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। गेटिंग द पॉइंट। अब R4 प्लस R5, यहां पे क्या हो रहा है, R4 प्लस R5, तो लेट से अगर मेरा R4 है 100 और R5 है 100, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की 200 हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, इसने पहले R3 की वैल्यू को 2 कर दिया और बाद में R1 की वैल्यू जो है वो 200 होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, अगर लेट से I2 जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, I2 जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है एज कंपेयर टू I1। अगर I2 पहले एग्जीक्यूट हो गई तो होगा क्या, R4 प्लस R5, 100 प्लस 100 क्या हो गया, 200, R1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 200। तो ये जब रीड करेगी ना R1, ये एक्चुअल में पुरानी वैल्यू जो थी, इनिशियल वैल्यू 100 थी, वो रीड नहीं करेगी, वो अपडेटेड वैल्यू रीड कर लेगी। क्यों, क्योंकि R1 की अभी अभी अपडेट हुई है वैल्यू 200। तो ये I2 ने जो 200 अपडेट किया ना, उसने गलती से वो रीड कर लिया, और जैसे ही इसने 200 रीड किया तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय जब 50 करेगी, R2 की वैल्यू 50 थी, तो ये आंसर क्या दे देगी, 4। बट आना चाहिए था आंसर 2, बट ये आंसर क्या आ गया, 4। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि I2 ने पहले अपडेट कर दी वैल्यू और उसने उस अपडेशन पे चेंज करके ऑपरेशन लगा दिया, लेकिन कायदे से तो I1 पहले आई थी, तो उसको पुरानी वैल्यू उठा के करना चाहिए था ऑपरेशन, लेकिन इस तरीके से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू टू सम डिले। तो ये हमारी राइट आफ्टर रीड हजार्ड इस तरीके से होता है। तो फिर वही सेम हम यहां पे भी वही करेंगे, लेट से मेरा ये T5 था और ये मेरा लेट से T6 रजिस्टर है, तो हम फिर यहां पे यही करेंगे, R1 की जो वैल्यू आई, यहां पे R1 की वैल्यू इनिशियली कितनी है, R1 की वैल्यू मेरी इनिशियली है यहां पे लेट से 100, तो मैं यहां पे इनिशियल वाली वैल्यू जो है वो 100 स्टोर कर लूंगा। और दूसरे केस में मेरी R1 की वैल्यू कितनी आई थी, 100 प्लस 100 200, तो मैं T6 में ये वाली वैल्यू स्टोर कर लूंगा, मतलब I2 की जो वैल्यू आई R1 वो मैंने यहां पे स्टोर कर दी, और R1 जो वैल्यू थी I1 के अंदर, जो इनिशियली वैल्यू थी वो 100 थी, वो मैंने यहां पे स्टोर कर दी। तो होगा क्या, जब भी हम इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैं यहां पे जब भी R1 को एग्जीक्यूट करूंगा ना इस इंस्ट्रक्शन में I1 में, तो मैं 200 की बजाय मुझे पता है कि ये वैल्यू जो है वो 100 वैल्यू में स्टोर है, और मैं उसको पहले उठाऊंगा रादर देन 200, क्योंकि 200 उठाया तो ये 4 आंसर देगी विच इज रॉन्ग, 100 डिवाइड बाय 50 करोगे तब ये राइट आंसर देगी। तो ये भी प्रॉब्लम क्यों अक्कर हो रही है, देखो आप कॉज देखो, कहानी तो कुछ भी नहीं है, कॉज सिर्फ यही है कि एक जगह पे ही दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो बाद वाली वैल्यू अगर पहले चेंज हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम करते क्या है, हमने टेम्परेरली दोनों वैल्यूज को, जो एक्चुअल में है तो एक ही जगह पे स्टोर, R1 तो एक ही रजिस्टर है ना, लेकिन हमने उसको दोनों वैल्यूज को अलग अलग दो जगह पे स्टोर कर दिया ताकि हम उसको लेटर ऑन जो है वो यूज कर सके। तो ये सिंपल सी कहानी है आपकी रजिस्टर रीनेमिंग की। तो जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए रजिस्टर रीनेमिंग का, तो हम राइट आफ्टर राइट हजार्ड एंड राइट आफ्टर रीड हजार्ड, इन दोनों हजार्ड्स को रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस रजिस्टर रीनेमिंग। लेकिन पाइपलाइनिंग जो है, पाइपलाइनिंग आपकी जो पाइपलाइनिंग है वो इतनी स्मार्ट होनी चाहिए कि वो इसको पकड़ पाए। अगर उसने पकड़ ही नहीं, मतलब अगर उसने हजार्ड को डिटेक्ट ही नहीं किया, तो फिर इस चीज से आपको जो है वो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपका आर्किटेक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि वो इसको डिटेक्ट करके अलग अलग जगह पे वैल्यूज को स्टोर कर सके। थैंक यू।